वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज ऑफ नीड। आप जो नीड का यूज होता है वो आपका मॉडल वर्ब की तरह भी होता है और ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी होता है। मॉडल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब दोनों की तरह ही होता है, इसलिए इसको सेमी मॉडल कहा जाता है। जी हाँ, इसको क्या कहा जाता है? सेमी मॉडल कहा जाता है। मॉडल इसमें आपका नीड का यूज, तब मैं आपको अलग अलग तरीके से बता देता हूँ कैसे कैसे करना है आपको। पहला यूज इसका इस तरीके से होता है, अगर मॉडल के रूप में हम नीड का प्रयोग करते हैं तो जनरली इसका इंटरोगेटिव या नेगेटिव में ही इसका यूज किया जाता है। नीड का मतलब होता है आवश्यक, मुझे ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इंटरोगेटिव या नेगेटिव की बात आए तो वहाँ पे आप नीड का यूज करेंगे। जैसे ही नीड नॉट टॉक टू हर या ही नीडंट टॉक टू हर, उसको उससे बात करने की जरूरत नहीं है, उसको उससे बात करने की जरूरत नहीं है। तो ही नीडंट टॉक टू हर या टॉक टू हिम, जब आपको उससे उसको बात करने की जरूरत नहीं है तो आप क्या कह रहे हैं? ही नीडंट टॉक टू हर, उससे तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को देख लें, नीड आई वेयर टू टाई, नीड आई वेयर टू टाई, या मैं ब्लेजर में ही ठीक हूँ। तो जैसे कहते हैं ना कि हमें टाई पहनना चाहिए, मैं ब्लेजर में ही ठीक हूँ, तो नीड आई वेयर टू टाई, तो क्या मुझे टाई पहनना चाहिए, क्या मुझे टाई पहनने की जरूरत है? तो इसमें आपका आएगा नीड का यूज। जहाँ पे आपको सिंपल बात यह कि जहाँ पे आपका नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा वहाँ पे आप नीड का यूज करें। जहाँ पे किसी चीज़ की जरूरत होना उसमें आप जहाँ मोस्टली कहा जाए कि मस्ट ही यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव में मस्ट का यूज नहीं करते, तो उसमें आप नीड का यूज कर सकते हैं। आपको बता दूँ परफेक्ट टेंस में भी नीडंट का यूज किया जाता है, लेकिन ऐसी जगह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि मतलब ऐसा काम आपको नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा था, ऐसा काम आपने कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था या नहीं करना उचित था, और नहीं करते तो ही सही था, तो उसमें आप नीडंट का यूज करेंगे, है ना। जैसे कि ही नीडंट हैव रिटन सच आ वर्ड्स, तुम्हें इस तरह के वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे कोई आप कुछ लिख रहे हो तो आप सोचा कि यार ये सब तुम्हें लिखने की जरूरत थी नहीं, तुमने जो लिख दिए हैं इनको लिखने की जरूरत है नहीं, तो यू नीडंट हैव रिटन सच अ लेटर्स, तो आपको इस तरह के लेटर लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें आप क्या यूज, मतलब लिखना जरूरी नहीं था ना ही, बल्कि उचित भी नहीं था, लिखते ना तो अच्छा था, इसमें आप नीडंट का यूज करेंगे। जी हाँ, अब आपका ये तो नेगेटिव की तरह हो गया, अब आपका आता है क्वेश्चन की तरह। तो नीड का यूज हम क्वेश्चन में प्रश्न में किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, तो आप जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन आपसे नीड में क्वेश्चन किया है, अगर आप पॉजिटिव, अगर उसका आंसर अफर्मेटिव में दे रहे हैं या पॉजिटिव में दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि आपको मस्ट का यूज करना पड़ेगा, आपको किसका यूज करना पड़ेगा? मस्ट का। और लेकिन आप नेगेटिव में ही दे रहे हो तो आप नीडंट का यूज करेंगे। जैसे कि नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? तो इसमें आप अगर आप कहेंगे यस, आपको अगर सामने वाला कह रहा है कि हाँ आपको जाना चाहिए, यस यू मस्ट, इसमें क्या है? यस यू मस्ट। लेकिन आपसे कह रही नहीं नहीं भाई, नहीं जाने कोई जरूरत नहीं है आपको, तो इसमें आपका नीडंट ही आएगा, नो यू नीडंट, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी के बाद अब मैं आपको समझा, इसी के साथ आपके जो नीड के यूज होते हैं वो खत्म होते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ आप नीड के जो यूज होते हैं वो आपको दोनों तरीके से ही होते हैं, आपका मॉडल्स की तरह और साथ में आपका ऑर्डिनरी वर्ब की तरह। नीड के यूज हम जब भी आपका नीड का हम प्रिंसिपल वर्ब की तरह तभी यूज करते हैं जब हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करना हो। नीड का हम प्रिंसिपल वर्ब की तरह हम तभी यूज करते हैं जब इसको हमें कोई किसी भी चीज को करने की जरूरत में आए, किसी चीज के जरूरत करने में आए, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? नीड का यूज करेंगे सिंपल, जैसे प्रिंसिपल वर्ब की तरह। और जहां पे आपको जो आपको किसमें करना हो, आपको जिस बाकी के चीजों में इसमें करना हो, नीड का प्रिंसिपल वर्ब की तरह आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ऑर्डिनरी वर्ब की तरह यूज करना है तो नेगेटिव के साथ आपको डजंट या डू डोंट का यूज करना पड़ेगा। जी हाँ, जब आप प्रिंसिपल की तरह काम करेंगे, प्रिंसिपल वर्ब की तरह उसका काम करेंगे, तो आपका नीड अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं या फिर उसमें आप नीडंट या नीड ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको ऑर्डिनरी वर्ब की तरह यूज करेंगे, इसमें आपको डू और डज इसके साथ यूज करना पड़ेगा, डोंट नीड डजंट नीड इस तरीके से इसका यूज करना पड़ेगा। तो होप यू गाइस आपको ये यूज ऑफ नीड आपको समझ में आया होगा आपको, तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।